नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं एकॉस्टिक म्यूजिक लाइब्रेरी। तो जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ आउटपुट स्पीकर्स, मतलब कि यू नो आउटपुट स्पीकर्स में कितनी सारी टाइप्स आती है, कौन सी टाइप्स होती है, इसी तरह से हर एक स्पीकर का एक अलग फंक्शनैलिटी है, वो कैसे यूज किए जाते हैं, उसका क्या पर्पज होता है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर डिटेल बाय डिटेल एग्जाम्पल्स के साथ बताने वाला हूँ, लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, कि कहाँ पर कौन से स्पीकर की नो प्लेसिंग होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। सो मेक श्योर आज के इस वीडियो का आप एक भी सेकंड यू नो यहां पर ऐसा मत करना कि स्किप कर दे, क्योंकि यहां पर ये जो वीडियो है ये सिर्फ म्यूजिशियंस के लिए या फिर यू नो सिर्फ जो परफॉर्मर या फिर जो आर्टिस्ट है उनके लिए नहीं है, ये कॉमन वीडियो मैं सभी के लिए बना रहा हूं। क्योंकि आप जहां पर भी जाइए, मतलब कोई भी आउटडोर शो में चले जाइए, किसी भी प्रोग्राम किसी भी फंक्शन में चले जाइए, आपको इसी तरह के कुछ स्पीकर्स वहां पर देखने मिलेंगे। सो ऑफकोर्स आपको भी एक स्पीकर का नॉलेज होना भी काफी जरूरी है कि कौन से स्पीकर का क्या यूज होता है। सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एंड हमारा जो सबसे पहला स्पीकर है वो हम देखते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे नॉर्मल स्पीकर रखा है, इसका नाम मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ पर नॉर्मल स्पीकर मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप इसे इजीली समझ सके। सो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरह के छोटे कॉलम स्पीकर्स, हम इसे बोलते हैं यू नो इसे कॉलम स्पीकर्स भी बोला जाता है, जो कि नॉर्मली स्टैंड के साथ यूज भी किए जाते हैं एंड विदाउट स्टैंड भी यूज किए जाते हैं। सो ये जो नॉर्मल स्पीकर्स होते हैं वो कहीं पर भी आप यू नो नॉर्मल पार्टी फंक्शंस में चले जाइए, कोई अगर बैंक्यूट है या फिर कोई ऐसी छोटी जगह है, सो उस जगह पर ये वाले स्पीकर्स यूज किए जाते हैं। आप देख सकते हो ये मिड स्पीकर है, मतलब कि यहाँ पर इसमें नो अगर आप कोई बेस वाला इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं ना, तो आपको इतना बेस इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि ये स्पीकर की क्वालिटी ऐसी है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट आपका बहुत अच्छा होगा फिर भी वो इसमें यू नो क्वालिटी वैसी डिलीवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ये जो स्पीकर है आप समझ लीजिए एक स्पीच के हिसाब से हम रख रहे हैं, मतलब कि जहां पर कोई स्पीच बोल रहा है या फिर कोई नॉर्मल यू नो सिंगिंग कर रहा है, सो उसके लिए हम ये स्पीकर को यूज कर सकते हैं। नॉर्मल यू नो काफी सारे जो म्यूजिशियन होते हैं इसे प्रैक्टिस के लिए भी यू नो अपने घर में यूज करते हैं, एंड जो लाइव प्रोग्राम होते हैं उसमें अगर छोटे लाइव प्रोग्राम है सो उसमें ज्यादातर ये स्पीकर यूज किए जाते हैं। सो ये है सबसे पहली यू नो हमारी नॉर्मल स्पीकर की यू नो कैटेगरी, जिसमें आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह के छोटे स्पीकर्स आते हैं, और ये वाले स्पीकर्स आपने यू नो कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका नाम लिखा है टॉप स्पीकर, मतलब ये टॉप रेंज का स्पीकर है, इसलिए मैंने इसका नाम टॉप स्पीकर नहीं रखा है। इसे नॉर्मली हम मिड स्पीकर भी बोलते हैं, टॉप स्पीकर भी बोलते हैं, टॉप एंड बेस, बेस में आपको आगे बताऊंगा। ये स्पीकर ज्यादातर आपने यू नो जो लाइव शोज होते हैं उसमें देखे ही होंगे, क्योंकि ये बड़े स्पीकर होते हैं, जो हमने नॉर्मल स्पीकर देखे उससे थोड़े बड़े स्पीकर होते हैं। इसके अंदर नॉर्मली यू नो एक भी होता है, मतलब यहां पर एक आपको अंदर स्पीकर मिल जाएगा, इसी के अंदर दो भी होते हैं, किसी किसी में तीन भी होते हैं। सो बेसिकली ये मिड का काम करते हैं, जो आपकी मिड क्वालिटी है, जो आपकी वॉइस की क्वालिटी है, या फिर जो हम अगर बात करें यहां पर आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं जिसमें आप लीड प्ले कर रहे हैं, तो वो सारा जो आउटपुट है आपको टॉप स्पीकर से मिलता है। एंड इसी तरह से मैं आपको कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, कॉम्बिनेशन क्या होते हैं स्पीकर्स के। तो ये टॉप स्पीकर है, जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पर, ये बेसिकली आपको नॉर्मली कोई भी लाइव शो में देखने मिल जाएंगे, मगर ये जो स्पीकर है ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया नॉर्मल स्पीकर जो होते हैं वो नॉर्मल रेंज के भी होते हैं, और टॉप स्पीकर होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, एंड इसे ऑपरेट करने के लिए पावर एम्प्स एंड सारी चीज़ें लगती है। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम लोग ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें हम यू नो एम्पलीफायर्स एंड मिक्सर्स के ऊपर भी एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएं, उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, सो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताएं। सो देखिए यहाँ पर टॉप स्पीकर है, उसके बाद आते हैं बेस स्पीकर। ये आपने यू नो ये सभी का बहुत फेवरेट होता है यू नो बेस स्पीकर, बेस अच्छा आना चाहिए, सो उसके लिए यहाँ पर बेस स्पीकर यूज किए जाते हैं। इसे हम बेस स्पीकर भी बोलते हैं, इसे काफी सारे लोग इसे सब भी बोलते हैं, सब वूफर भी बोलते हैं, यू नो अलग अलग नाम से आप इसे यू नो बता सकते हैं। सो बेसिकली जो बेस स्पीकर होते हैं नॉर्मली नीचे रखे जाते हैं, ग्राउंड लेवल पर रखे जाते हैं, उसके ऊपर यू नो टॉप स्पीकर रखे जाते हैं। मैं आगे यू नो आपको विद वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे यू नो स्पीकर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। सो बेसिकली बेस स्पीकर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि अगर आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं या फिर आपकी जो टोन क्वालिटी उसमें ऐसा कुछ बेस आपको चाहिए ना, सो वो जो बेस की चीज है ना वो बेस वाले स्पीकर में डाइवर्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, मैं नेक्स्ट यहाँ पर इमेज कर लेता हूँ, आप देख सकते हो मेन आउटपुट स्पीकर्स, तो ये कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हो मेन आउटपुट के स्पीकर्स, मतलब ये नॉर्मल बजट जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, नॉर्मल बजट जो शोज होते हैं उसमें ज्यादातर ये नॉर्मल स्पीकर्स, मिड स्पीकर्स एंड बेस स्पीकर्स ज्यादातर यूज किए जाते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन में ज्यादातर लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यू नो सबका अलग अलग चॉइस होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, बट ज्यादातर 90% लोग जितने भी म्यूजिशियंस है या फिर जितने भी यू नो साउंड प्लेयर्स होते हैं ना, वो ज्यादातर इसी तरह से कॉम्बिनेशन में वो कोई भी लाइव शो में यू नो इन स्पीकर्स को रखते हैं।
मतलब कि सबसे पहले वो नीचे बेस स्पीकर रखते हैं एंड उसके ऊपर मिड स्पीकर रखते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं कि ऐसा कोई फॉर्मेट यू नो जरूरी है, काफी सारे लोग अलग अलग भी रखते हैं, डिपेंड्स ऑन कैसा इवेंट है, कैसा आपका यू नो स्टेज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप देख सकते हो ये जो ऊपर है ये हमारे टॉप स्पीकर हो गए, ये जो नीचे है ये हमारे बेस स्पीकर हो गए। अब मैं आपको यहाँ पर यू नो इसका एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, टॉप एंड बेस स्पीकर का जो सेट है उसका कॉम्बिनेशन। समझ लीजिए कि अगर मैं ऑक्टापैड प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर, एक नॉर्मल आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं एक ऑक्टापैड प्ले कर रहा हूँ, ऑक्टापैड में मेरे पास यू नो बेस ड्रम का अगर जो साउंड है ना तो वो डाइवर्ट हो जाएगा बेस स्पीकर में। और इसी तरह से यहाँ पर समझ लीजिए मैं कुछ हाई हेट खंजरी या फिर ऐसे कोई साइड पैटर्न जिसमें यू नो मतलब ऐसी वॉइस जो शार्प है थोड़ी सी, तो वो यहाँ पर मिड स्पीकर में यू नो चली जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि अगर बेस स्पीकर नहीं है तो बेस का आवाज बिल्कुल नहीं आएगा। ऑफकोर्स मिड स्पीकर से भी आपको बेस का आवाज मिलेगा, बट जो क्वालिटी वॉइस मिलना चाहिए ना, जो एकदम प्रॉपर बेस वॉइस जिसे हम कहते हैं, वो आपको यू नो बेस स्पीकर से ही मिलेगा। सो मेक श्योर कि अगर आप ऐसे कोई प्रोग्राम करते हैं जिसमें आपके इस तरह की रिक्वायरमेंट्स है या फिर आप ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो ऑफकोर्स आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर चलना पड़ेगा एंड आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन फॉलो करना पड़ेगा जिसमें आपकी दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए और आपकी जो साउंड क्वालिटी है ना वो एकदम बेहतरीन आपको मिले। मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि मिड स्पीकर से शो नहीं होते, काफी सारे जो यू नो लो बजट शोज होते हैं उसमें सिर्फ मिड स्पीकर ही लगाए जाते हैं, बेस स्पीकर नहीं लगाए जाते। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिड स्पीकर से ही है, मतलब ऐसा है कि यू नो कि बेस स्पीकर नहीं है तो हमारा यू नो शो नहीं चलेगा। ऑफकोर्स आपके मिड स्पीकर में भी थोड़ा बहुत बेस आएगा, बट जो क्वालिटी बेस है या फिर जो क्वालिटी आपको सब वूफर चाहिए ना, वो आपको ये पर्टिकुलर स्पीकर से मिलेगा। सो ये अहमियत होती है बेस स्पीकर एंड टॉप स्पीकर की, जैसा कि मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर की कैटेगरी की तरफ। सो आते हैं मॉनिटर की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आउटपुट में नहीं लगती है मगर ये स्टेज पर लगती है, स्पेशली फॉर आर्टिस्ट। मैं इसका आपको एक पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे इसे लगाया जाता है, इसका यूज क्या होता है एंड यू नो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर आप एक म्यूजिशियन है या फिर अगर एक आर्टिस्ट है। तो देखिए पहली बात तो ये जो है ये हमारे स्टेज मॉनिटर्स है, हम इसे स्टेज मॉनिटर बोलते हैं। सो बेसिकली जो स्टेज मॉनिटर्स होते हैं ना, ये मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया हुआ कि स्टेज मॉनिटर्स आपकी तरफ फेसिंग करके लगाए जाते हैं, मतलब कि ऑडियंस की तरफ। ये जो मॉनिटर्स होते हैं ना ये ऑडियंस की तरफ नहीं फेसिंग करते, स्टेज पर जो परफॉर्म कर रहा है चाहे वो सिंगर हो, वो एंकर हो, होस्ट हो या फिर कोई म्यूजिशियन हो, कोई भी प्लेयर हो या फिर मतलब समझ लीजिए कोई भी ड्रम प्लेयर है या फिर ऑक्टापेड प्लेयर है, ढोलक प्लेयर है, तबला प्लेयर है, सभी के लिए अलग अलग मॉनिटर लगाए जाते हैं। सो मॉनिटर का बेनिफिट ये होता है कि देखिए जो आउटपुट स्पीकर है वो बाहर की ऑडियंस के लिए है, बाहर के लिए है, मतलब कि वो आउट दे रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। बट जो मॉनिटर है ये मॉनिटर हमारे लिए है, मतलब कि जो हम प्ले कर रहे हैं वो एटलीस्ट हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हम क्या प्ले कर रहे हैं। या फिर समझ लीजिए जब एक साथ सारे म्यूजिशियन प्ले करते हैं तब काफी लाउड साउंड होता है, तब उसमें पता नहीं चलता है कि कौन सा म्यूजिशियन क्या प्ले कर रहा है, इसीलिए सबको यू नो मॉनिटर दिया जाता है ताकि पता चले कि सिंगर क्या गा रहा है, कीबोर्ड कैसे प्ले हो रहा है, तबला कैसे प्ले हो रहा है, रिदम्स कैसी चल रही है। तो सारी चीजें आपको मॉनिटर के थ्रू पता चलती है, आउटपुट स्पीकर्स के थ्रू नहीं पता चलती है। जो भी बड़े शोज होते हैं उसमें ज्यादातर मॉनिटर्स का यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल शो की जिसमें यू नो आपके पास दो सिंगर्स हैं, ऑक्टापेड प्लेयर है, तबला या फिर ढोलक प्लेयर है, दोनों में से कोई भी है, और एक कीबोर्ड प्लेयर है, मतलब टोटल समझ लीजिए यहां पर पांच आर्टिस्ट आपको स्टेज पर मिल जाएंगे, दो सिंगर और थ्री हमारे इंस्ट्रूमेंटल्स, बराबर। तो यहाँ पर आपको चार मॉनिटर लग सकते हैं। देखिए जो पहले के हम बात कर रहे हैं ना, जैसे कि समझ लीजिए एक या दो मॉनिटर हमने सिंगर्स को दे दिया और बाकी जो है वो दो मतलब तीन इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में वो डिवाइड हो जाते हैं। सो ऐसा अलग अलग कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं मॉनिटर्स के साथ। और मॉनिटर्स का इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया कि आप जब स्टेज पर प्ले कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्ले कर रहे हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स क्या प्ले कर रहे हैं, तो आपका प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन के वो आउटपुट में जाएगा। मगर आपको वैसी क्वालिटी वैसी क्लैरिटी वहां पर नहीं मिलेगी, इसीलिए मॉनिटर्स का यूज किया जाता है। देखिए यहां पर मैं आपको एक इमेज बता रहा हूँ, ये एक कॉन्सर्ट है जो कि बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं उसका मैं आपको यहाँ पर यू नो एक फोटो बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे मॉनिटर्स लगाए गए हैं, ये देख सकते हैं हम नीचे की तरफ, ये सारे मॉनिटर्स हैं, ये जितने भी आप देख रहे हो। मैंने क्या बोला आपकी तरफ फेसिंग करके, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर ये जो स्पॉट है ना ये देख सकते हैं, यहाँ पर माइक का जो स्टैंड है ना, मतलब कि यहाँ पर सिंगर आने वाला है, सिंगर परफॉर्म करने वाला है, तो उसके लिए ये सारे मॉनिटर्स लगाए गए हैं। सो आप देख सकते हो कि जो भी बड़े ग्रैंड शोज होते हैं ना उसमें आपको 110% मॉनिटर्स तो देखने मिल ही जाएंगे, चाहे वो कोई भी लाइव रियलिटी शो हो जाए, मतलब कि रियलिटी शो इन द सेंस जैसे कि हम बात करें कि कोई भी ऐसा शो, कॉमेडी शो हो जाए, सिंगिंग शो हो जाए, वो मॉनिटर्स होते हैं मगर वो ढक दिए जाते हैं, वो इस तरह से यू नो ढक दिए जाते हैं कि वो आपको यू नो टीवी में या फिर अपने कोई भी आप जब वीडियो में देखते हैं तब उसे नहीं
नहीं दिखते वो नॉर्मली, बट वो होते हैं मॉनिटर्स, उसे ढक दिए जाते हैं, वो अंदर की तरफ से लगाए जाते हैं। बट सिमिलरली ये एक पोर्टेबल स्टेज हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ऊपर की तरफ लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं मॉनिटर्स, ये पूरा एक सी टाइप में आपको दिख जाएगा, सी टाइप के कर्व में यहाँ पर ये मॉनिटर्स लगाए हुए हैं। एंड इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक हैंड से भी यहाँ पर मॉनिटर लगाए, मतलब पीछे की तरफ से भी यहाँ पर मॉनिटर्स लगाए गए हैं, ताकि उन्हें पीछे से भी मॉनिटर मिले और आगे से भी, फ्रंट से भी मॉनिटर मिले। सो आप देख सकते हो मॉनिटर का ये इंपॉर्टेंस होता है। सो देखिए हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एक और मॉनिटर का, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है आपको, आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे मॉनिटर्स लगाए गए हैं, ये जितने भी ये सारे हमारे मेन मॉनिटर्स है आप देख सकते हो, और ये ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं आगे की तरफ, ये सारे हमारे जो भी ये इसका भी बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी क्या है, मगर ये आप यहाँ पर देख लीजिए जितने भी हमारे म्यूजिशियन या फिर जो भी परफॉर्म करने वाला है उनके लिए यहाँ पर मॉनिटर्स लगाए जाते हैं ताकि उनको क्लियर सुनाई दे। अब यहाँ पर मैं आपको विद इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि लाइव स्टेज में जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं ना, उसका मॉनिटर का सेटअप बता रहा हूँ। ये ओरिजिनल एक इमेज है जो कि मैंने गूगल से यहाँ पर लिया है एक कॉन्सर्ट का। सो यहाँ पर मैं आपको बता रहा, देखिए यहाँ पर ये जो लेडी पियानो प्ले कर रही है उसके लिए एक अलग से मॉनिटर यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हो उसको अलग से मॉनिटर दिया गया, उसकी आप अहमियत समझे कि मॉनिटर की क्या अहमियत है कोई भी लाइव शो में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका तो बता दिया कि पियानो प्लेयर को मॉनिटर मिल रहा है, समझ लीजिए उसका पियानो का मिल रहा है, या फिर जो सिंगर गा रहा है या फिर जो ये ट्रम्पेट है उसका मिल रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो गिटारिस्ट है, ये गिटारिस्ट का मॉनिटर दिया हुआ है बट फ्रंट से नहीं दिया, इसने बैक से लिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर बैक में मॉनिटर है। ये जो ड्रम सेट प्लेयर है उसके पीछे यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये मॉनिटर दिया हुआ है। सिमिलरली ये जो ट्रम्पेट प्लेयर है उसको भी अलग से मॉनिटर दिया गया है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट में ये जो लगा है ना, ये ड्रमर के लिए नहीं है, ये है ट्रम्पेट प्लेयर के लिए, आप देख सकते हो इसको यहाँ से इस तरह से क्रॉस यहाँ पर मॉनिटर मिल रहा है। सिमिलरली ड्रमर जो है, ड्रमर को आप देख सकते हो जहां पर ये इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, मतलब जो हमारा ट्रम्पेट प्लेयर खड़ा है उसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ, तो ये जो मॉनिटर है ये दिया जा रहा है ड्रमर को। तो आप देख सकते हो एक इमेज में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। सो मेक श्योर अब आप अगर आप म्यूजिशियन या फिर अपनी म्यूजिशियन की जर्नी शुरू कर रहे हैं या फिर आप ऑलमोस्ट लाइव शो में परफॉर्म करते हैं, सो मेक श्योर कि आपको नोटिस करना चाहिए जो भी आप लाइव शो में, समझ लीजिए ऐसा नहीं होता है कि हर बार हम ही परफॉर्म करने जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक ऑडियंस बनकर कहीं पर कोई प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। सो आपको सारी चीजें नोटिस करनी कि अच्छा यहाँ पर इन्होंने इतना बेहतरीन सेटअप किया है, इतने सारे मॉनिटर्स लगाए हैं, आउटपुट की क्वालिटी कैसी, आउटपुट में ये सारे स्पीकर लगाए हैं। तो जब आपका भी ऐसा कभी कोई शो होगा या फिर आप भी कोई ऐसा ऐसे कोई पर्सन के साथ या कोई ऐसी कंपनी के साथ काम करेंगे, तो आपको पता होगा, आपको एक टेक्निकलिटी पता होगा कि मॉनिटर्स एंड इसी तरह जो स्पीकर होते हैं वो कौन से लगाने चाहिए एंड उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे साइड फील की तरफ। बेसिकली साइड फील भी जो है वो एक तरह से मॉनिटर का ही काम करती है, मगर इसमें जो स्पीकर्स होती है ना उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब कि इसमें मिड स्पीकर्स भी लगाए जाते हैं, इसमें बेस स्पीकर्स भी लगाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको बेस स्पीकर्स भी देखने मिल जाएंगे एंड मिड स्पीकर्स भी देखने मिल जाएंगे। सो साइड फील का मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल यहाँ पर बताता हूँ। देखिए ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है साइड फील का कि किस तरह से साइड फील वर्क करता है। बेसिकली ये एक स्टेज है एंड यहाँ पर जो आपको ब्लैक पार्ट दिख रहा है उस साइड जो है वो ऑडियंस का पार्ट हो गया, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज के लेफ्ट एंड राइट, ये हालांकि मैंने स्पीकर्स काफी बड़े बताए ताकि आपको पता चले, मगर इतने में जो ड्रम की साइज है उससे बड़े स्पीकर्स नहीं होते, वो उसके लेवल के ही होते स्पीकर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन में कि जो स्टेज पर जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, काफी बार जो कई ज्यादा आर्टिस्ट होते हैं तो जो साउंड का होता है वो प्रॉब्लम आता है कि सही से सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा कोई इशू होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर साइड फील लगाए जाते हैं, जिसमें साइड फील में स्पेशली आपको बेस स्पीकर देखने मिल जाएंगे, मिड स्पीकर देखने मिल जाएंगे, पूरा कॉम्बिनेशन भी देखने मिल जाएगा। डिपेंड्स ऑन बजट, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट एंड डिपेंड्स ऑन कि कितने आर्टिस्ट है, कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है, कितना बड़ा स्टेज है उसके ऊपर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइड से ही लगाए जाते, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर आर्टिस्ट के लिए, कुछ ऐसे जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं अगर हमारा ड्रमर बीच में बैठा है तो उसको अलग से स्पीकर देना पड़ेगा, अलग से साइड फील देना पड़ेगा। सो ऐसे भी कई बार रिक्वायरमेंट्स होती है, बट यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ इस वीडियो में। अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हर एक साउंड वाले के हिसाब से अलग अलग वो क्रिएटिविटी बता सकते हैं, मगर मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, फिर से मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूँ। तो समझ लीजिए यहाँ पर सारे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रैंड पियानो है, यहाँ पर ड्रम्स है और यहाँ पर इतनी सारी चीजें आपको
देखने मिल जाएगी किसी भी स्टेज पर। सो साइड फिल इसीलिए लगाई जाती है ताकि उनको क्लियर सुनाई दे, बेस प्रॉपर सुनाई दे, यू नो मिड प्रॉपर सुनाई दे। मॉनिटर तो अपना काम कर ही रहे हैं बट साथ ही साथ साइड फिल भी कुछ इस तरह से काम करेंगे स्टेज पर। सो यह है साइड फिल का एक एग्जाम्पल। एंड उसी के साथ यहाँ पर मैं आपको एक लाइव इमेज बता रहा हूँ साइड फिल का, कि साइड फिल का प्लेसिंग किस तरफ है। इसके पहले जो मैंने आपको यू नो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताया था, वो सिर्फ एक मैंने आपको बताने के हिसाब से, समझाने के हिसाब से एक ग्राफिकल वो रिप्रेजेंटेशन था हमारा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ साइड फिल इस तरह से आपको दिखेगी स्टेज पर। इस तरह से इसे रखा जाता है साइड की तरफ, आप देख सकते हो इसका जो फेसिंग है वो फ्रंट की तरफ नहीं, साइड की तरफ है। एंड यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ फ्रंट फिल क्या होती है। बेसिकली फ्रंट फिल जो होती है वो आपके स्टेज की फ्रंट की तरफ से लगाई जाती है ऑडियंस की तरफ फेसिंग करके, मतलब जो आउटपुट का जो हमारा जो पूरा मेन आउटपुट सिस्टम है उसका जो यू नो स्पीकर का जहाँ पर फेसिंग होता है, सेम फेसिंग में यहाँ पर यू नो फ्रंट फिल लगाई जाती है जो कि फ्रंट की तरफ होती है। मतलब कि जो आपकी ऑडियंस कई बार यू नो कॉन्सर्ट्स में जब सिंगर गाते हैं तो ऑडियंस एकदम स्टेज के नजदीक होती है, तो वो फ्रंट फिल इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं वो साइड की तरफ लगाए जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट की साइड लगाए जाते हैं एंड अलग अलग साइड लगाए जाते हैं। सो वो क्वालिटी वो पीछे की तरफ दे रहे हैं, पीछे वाली जो ऑडियंस है वहां तक पहुंच रही है, मगर जो फ्रंट वाली ऑडियंस है उनके लिए स्पेशल यहाँ पर फ्रंट फिल लगाया जाता है ताकि जो नियर बाई ऑडियंस बैठी है, जो यू नो मिडल वाला जो पूरा हमारा यहाँ पर सेक्शन है, समझ लीजिए एक पूरा स्टेज है, स्टेज के सामने वाला जो पूरा सेक्शन है वहां पर देने के लिए यहाँ पर ये सारा फ्रंट फिल लगाया जाता है। उसका एक और मैं एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए ये एक और इमेज है एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट की जहां पर कुछ इस तरह से फ्रंट फिल लगाई गई। आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितने ज्यादा स्पीकर्स लगाए गए हैं फ्रंट फिल में। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फ्रंट फिल में बेस स्पीकर्स भी देखने मिल जाएंगे, आप देख सकते हो ड्यूल के बेस आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे एंड बेस के साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पर बेस के आगे भी बेस यहाँ पर लगाए गए हैं। ये देखिए पूरी चैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके ऊपर आपको यहाँ पर मिड सेक्शन मिल जाएगा एंड ये कॉर्नर में आपको ये जो दिख रहा है ये हमारे आउटपुट के स्पीकर्स हो जाएंगे, मेन आउटपुट के स्पीकर्स। सो ये है हमारा फ्रंट फिल एंड इसका इंपॉर्टेंस भी मैंने बता दिया आपको। एंड उसके बाद आता है हमारा सबसे मेन चीज, सबसे मेन पार्ट इस वीडियो का, अदर हैवी आउटपुट स्पीकर्स। यहाँ पर मैंने किसी का भी कुछ नाम नहीं दिया मगर मैं आपको बता रहा हूँ हैवी आउटपुट स्पीकर्स मैंने इसीलिए वर्ड यहाँ पर यूज किया है कि ये जो स्पीकर्स है ये नॉर्मली किसी भी शोज में ऐसे नहीं लगाए जाते क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर यू नो एक फ्रेमिंग होता है, ट्रस लगता है, उसी के बाद ये सारी चीजें लगाई जाती है क्योंकि ये काफी कॉस्टली होते हैं। इसका जो यू नो मेंटेनेंस से लेकर समझ लीजिए इसका जो ऑपरेटिंग होता है वो भी टोटली अलग चीज होता है क्योंकि ये नॉर्मली ऐसे नहीं मिलते आपको यू नो मार्केट में। अगर आप ऐसे लेने जाओगे कि हमें ये स्पीकर चाहिए तो डायरेक्टली आपको कोई भी शॉप में ऐसे मिल जाएंगे रैंडम शॉप में, बट यहाँ पर ये जो स्पीकर होते हैं इसे हम लाइन एरी भी बोलते हैं, काफी सारे लोग इसे लाइन एरी भी बोलते हैं, काफी सारे लोग इसे ट्रस स्पीकर भी बोलते हैं। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पूरा ट्रस बनाया जाता है, आप देख सकते हो इसमें पूरा सपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ये पूरा ऊपर ट्रस सिस्टम के साथ ये स्पीकर्स लगाए जाते हैं जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं जिसमें उन्होंने लाखों में पब्लिक बोल सकते हैं, फिर हजारों में जो पब्लिक आती है वो पब्लिक के लिए स्पेशली ये स्पीकर्स लगाए जाते हैं। उसका मैं एग्जांपल भी लूंगा कि कहां पर लाखों में पब्लिक आती है कहां पर हजारों में पब्लिक आती है। देखिए सबसे पहली तो अगर मैं बात करूं तो कोई भी बड़े कॉन्सर्ट्स हो गए, कोई बहुत बड़ा सिंगर है, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, अगर उनके कुछ कॉन्सर्ट्स है तो उसमें आपको ऐसे बड़े बड़े स्पीकर्स देखने मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आपको कुछ इस तरह से भी लाइनरी देखने मिल जाएंगे, मतलब कि इतने बड़े बड़े हाइट पर लगाए जाते हैं। समझ लीजिए कि एक स्टेडियम है, अगर आप क्रिकेट स्टेडियम की बात कर लीजिए, फुटबॉल स्टेडियम की बात कर लीजिए, तो बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं उसमें भी कुछ इस तरह से ये कॉम्बिनेशन लगाए जाते हैं। आप देख सकते हो लाइनरी स्पीकर यहाँ पर आपको दिखने में छोटे लग रहे हैं मगर ये काफी बड़े बड़े स्पीकर होते हैं जो कि काफी दूर तक एंड काफी क्रिस्टल क्लियर आपको यू नो आवाज पहुंचाते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पर एक काफी बेसिक एग्जांपल है जो कि है स्टेडियम का। जैसे कि मैंने बताया समझ लीजिए ये स्टेडियम है, तो देखिए चारों तरफ मिड में मतलब यू नो मिडल वाला जो सेक्शन है पूरा हमारा ये स्टेडियम का, वहां पर उन्होंने ये सारे यू नो ट्रस एंड सबके साथ यहाँ पर इसे हैंग कर दिया। आप देख सकते हो ये चारों तरफ यू नो इसकी फेसिंग दे दी, चारों साइड इसकी फेसिंग दे दी, एक का ये जो फेसिंग है दूसरी साइड है, दूसरे का अपोजिट साइड है, तो देख सकते हो ताकि जो भी मतलब सर्कल में समझ लीजिए जो हमारा स्टेडियम होता है नॉर्मली कुछ सर्कल शेप में होता है, तो इस तरह से चारों तरफ में मतलब पूरे सर्कल में अगर आपको आवाज पहुंचानी तो ऐसा नहीं कि आप एक ही तरफ फेसिंग करके रखेंगे तो चारों साइड यू नो आवाज एकदम क्लियर पहुंच जाएगी। तो इसी तरह से ये पूरा सिस्टम बनाया जाता है ताकि आउटपुट के जो हैवी स्पीकर होते हैं ना वो अच्छी क्वालिटी अपनी ऑडियंस को या फिर जो भी वहां पर आपकी यू नो परफॉर्मेंस देखने हैं उनको अच्छे से डिलीवर हो। एंड ऑफ कोर्स ये सारे स्पीकर्स आप देख सकते हो, देखिए ये मैंने एक ग्रैंड कॉन्सर्ट है उसके पहले का एक फोटो यहाँ पर निकाला है, ये काफी
काफी पुराना फोटो है, मगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हो गए हमारे मेन स्पीकर्स। आप देख सकते हो ये लाइन एरी जो मैंने अभी आपको बताया, ये मेन स्पीकर्स हो गए राइट। एंड जो बेस स्पीकर है वो नीचे की तरफ रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस खड़ी है तो आपको वो चीज नहीं दिखेगी। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ, ये आपको जितना भी दिख रहा है ये हमारे सारे मॉनिटर्स रखे गए हैं। आपको शायद एकदम क्लियर नहीं दिखेगा, मगर मैं यहाँ पर यू नो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं माउस का कर्सर है आप उसे नोटिस कीजिए, ये जो सर्कल वाला पार्ट है यहाँ पर, ये पूरा हमारा यहाँ पर यू नो मॉनिटर्स रखे गए हैं। एंड कुछ साइड फिल्स अंदर की तरफ यहाँ पर रखी गई है, आप देख सकते हो ये स्पीकर्स के आपको ये दिख जाएंगे, जो कि आपको ट्रस के नीचे रखे हुए दिख जाएंगे। एंड जो बेस स्पीकर्स है वो नीचे की तरफ रखे गए हैं, जो कि नहीं दिख रहे हैं। सो कुछ देख सकते हो इस तरह का सेटअप होता है, इस तरह के ग्रैंड सेटअप होता है। एंड इसी तरह से देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ भी यहाँ पर साइड फिल दी हुई है, आप देख सकते हो अगर कॉर्नर में आपको दिख रही है तो ऊपर की तरफ भी साइड फिल दी हुई है। सो बेसिकली कई बार अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग यू नो जैसा भी फंक्शन है उसके हिसाब से यहाँ पर स्पीकर्स यूज किए जाते हैं। तो देखिए लाइन एरी जो मैंने बताया वो कुछ इस तरह से भी यूज किए जाते हैं। देखिए लाइन एरी जो है वो स्पीकर्स अलग अलग होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये पूरे सारे ज्वाइंट होते हैं, इसे एक एक ज्वाइंट किया जाता है। ये एक अलग पार्ट है, ये देखिए ये एक अलग पार्ट है, ये सेकंड वाला अलग पार्ट है, चारों अलग अलग होते हैं, इसे ज्वाइंट किए जाते हैं साथ में। एंड उसके बाद मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि समझ लीजिए कि कहीं पर एक या फिर दो का ही हमें यहाँ पर यू नो कॉम्बो लगाना है तो दो भी लगा सकते हैं। कहीं पर ऐसा लग रहा है कि हमें यू नो चार या दस एक साथ लगाना है तो वो डायरेक्ट इसी के साथ इसमें नीचे ही ज्वाइन करते जाते हैं। तो लाइन एरी जो स्पीकर है वो कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। उसी तरह से देख सकते हो ये जो लाइन एरी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसे भी साइड फिल में यूज किया जाता है। देखिए साइड फिल का एक मैंने एक नॉर्मल एक इमेज बताया हुआ है यहाँ पर, ये साइड फिल में भी यूज किया जाता है, और अगर छोटा शो है तो इसे आउटपुट में भी यूज किया जाता है। एंड इसी के साथ समझ लीजिए कि ये पोर्टेबल, ये लोग है ना अपना जो पूरा स्टैंड है इसका वो भी साथ में लेकर चलते हैं कुछ यू नो कुछ साउंड आर्टिस्ट, ताकि उन्हें यू नो पूरा ट्रस बांधने की जरूरत ना पड़े। सिंपली ये यू नो स्टैंड साथ में लेकर आए, इस पर पूरा रोल ऑन किया एंड इसे डायरेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह से भी यहाँ पर स्पीकर आते हैं। इसी तरह से यहाँ पर बेस के साथ कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर पोल स्पीकर भी आपको दिए हुए हैं। सो काफी सारी और भी वैरायटीज हैं, एंड ऐसा नहीं कि जो सिर्फ मैंने वैरायटीज बताई वो ही आपको यहाँ पर साउंड सिस्टम में देखने मिल जाएगी, इसके अलावा भी काफी सारी वैरायटीज आती है। स्पीकर्स ले लीजिए, इसके सिस्टम्स ले लीजिए। सो अगर आपको उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए सो लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, मैं जरूर से वो वीडियो भी बनाऊंगा। ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है एक कॉमन नॉलेज के लिए, कि कौन से टाइप के जो स्पीकर्स है कॉमनली यूज किए जाते हैं लाइव शो में, राइट। सो ये था आज के इस वीडियो में, जिसमें आपने देखा यू नो इतने बेहतरीन स्पीकर्स जो कि आपको अपने परफॉर्मेंस, या फिर अगर आप कहीं परफॉर्मेंस देखने जाते तो आपको पता चलेगा वहां पर जाकर कि कौन से स्पीकर्स वहां पर यूज किए होते हैं। तो मेक श्योर अगर आप नेक्स्ट टाइम कहीं पर भी यू नो ऐसे कोई प्रोग्राम में जा रहे हैं, ऐसे कोई कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, या फिर ऐसे कोई इवेंट में जा रहे हैं, सो लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स कि आपने वहां पर कौन से स्पीकर्स नोटिस किया, क्या आपने वहां पर लाइन एरी नोटिस किया, या फिर क्या आपने वहां पर साइड फिल्स देखी, क्या आपने वहां पर मॉनिटर्स देखे, या फिर आप देख सकते हो इतने सारे अलग अलग स्पीकर्स, इसमें कुछ बेसिक स्पीकर्स भी है आप यहां पर देख सकते हो, काफी सारे अलग अलग स्पीकर्स आपको यहां पर देखने मिल जाएंगे। सो बस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको यू नो यहां से काफी सारी चीजें पता चली होगी, काफी सारी इंपॉर्टेंस पता चली होगी कि कौन से स्पीकर्स को क्यों लगाए जाते हैं। ऑलराइट, सो मेरे हिसाब से यू नो बस इस वीडियो को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।